जलालपुर के हाई स्कूल में छात्र आदित्य की हत्या के आज चौथे दिन सैकड़ों की संख्या में जलालपुर पहुंचे स्थानीय छात्रों व युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जलालपुर बाजार की दुकानें बंद कराने और हत्या के सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे थे। उसके बाद भारी संख्या में आई पुलिस बल ने बल का प्रयोग किया, उसके बाद मामला शांत हुआ। फिर वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने मामला को शांत कराया। उसके बाद सभी छात्र युवाओं ने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को एक ज्ञापन देकर घटना में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जो भी है यहाँ अंचलाधिकारी महोदय, वीडियो मैडम दोनों आदमी है, आप लोग भी है, इससे बड़ी अधिकारी हैं तो क्या चाहिए मैम जी आपके लिए? सब लोग आप एक हमने कहते हैं जो भी ज्ञापन में मांगे दी गई है उस सब पे अविलंब कार्रवाई हो और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। प्रशासन भी सहयोग करे, वो अपने बल प्रयोग ना करे। हमें प्रशासन से सहयोग की उम्मीद है और शांति व्यवस्था कायम हो, सब लोग की यही मांग है। पठन पाठन भी सुचारू रूप से चले और उसके लिए जो भी बन पड़े वो सरकार प्रशासन सब कोई मिल करके करे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या नाम है? प्रवीण तिवारी मेरा नाम हुआ। इन लोग का जो डिमांड है उसका हम तैयार है, हमारी टीम लगी हुई है गिरफ्तारी करने के लिए। देख रहे हैं कि आप 5-5 इंस्पेक्टर, 5 थाना प्रभारी, 2-2 DSP लगे हैं गिरफ्तारी करने के लिए। 4 गिरफ्तारी हुई और शेष जो बचे हुए हैं उन लोग हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। थैंक यू। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।